हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। ये हमारे ऑडिटिंग की सीरीज की वीडियो है और आज इस वीडियो में हम ऑडिट ऑफ सिनेमा एंड थिएटर्स को पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पहले भी ऑलरेडी स्पेशल ऑडिट के दो ऑडिट पढ़ा चुकी हूँ, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और क्लब की ऑडिट हो चुकी है हमारे वीडियो में, सो उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगी, काइंडली उसको देख लीजिएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टूडेज वीडियो, दैट इज ऑडिट ऑफ सिनेमा एंड थिएटर्स। आई डोंट थिंक ये मुझे सिनेमा एंड थिएटर को ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी इससे वेल फैमिलियर होंगे। सिनेमा क्या है, थिएटर क्या है, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, काफ़ी बार गए भी होंगे और बहुत एंजॉय भी करते हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं इसके ऑडिट के तरफ। तो ऑडिट में सबसे पहले चीज़ एक चीज़ देख लेते हैं कि भाई आप लोग सिनेमा हॉल तो बहुत बार गए होंगे, नो डाउट, फिल्म भी देखे होंगे, नो डाउट, वहाँ पे पॉपकॉर्न भी खाए होंगे, है ना, और फैमिली के साथ एंजॉय भी किए होंगे। तो सबसे पहली बात, जब आप सिनेमा हॉल में जाते हो तो आप टिकट्स खरीदते हो, पार्किंग में गाड़ी को पार्क करते हो, कैंटीन में समोसे खाते हो, बर्गर खाते हो, पॉपकॉर्न खाते हो, है ना, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट होर्डिंग्स वगैरह देखते हो, तो ये सब कुछ देखते हो। लेकिन अब जानना ये ज़रूरी है कि सिनेमा हॉल का ऑडिट किस तरीके से होता है। तो कौन कौन से उनके इनकम के सोर्सेज हैं और कौन कौन से एक्सपेंडिचर के सोर्सेज हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनकम के कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो फर्स्ट है सेल्स ऑफ टिकट, जो सिनेमा हॉल आपको टिकट बेचते हैं वो उनके इनकम का सोर्स होता है, यानी कि जितने ज़्यादा टिकट्स बिकेंगी उतना ज़्यादा उनका इनकम होगा। नेक्स्ट दैट इज पार्किंग, पार्किंग आप लोग जाते हो, अपनी गाड़ी लगाते हो, वहाँ पे एक पार्किंग का बंदा होता है, आपको स्लिप देता है, आपके कार में लगा देता है और आपको वो स्लिप दे दिया जाता है कि भाई इतने रुपए आपको लगेंगे जब आप फिल्म देख करके आओगे, स्लिप दिखाओगे, वो आपको गाड़ी ले जाने की अनुमति दे देता है। दैट इज पार्किंग, यानी कि जो पैसे कलेक्ट होते हैं पार्किंग से वो किन के पास जाते हैं, सिनेमा हॉल के पास जाता है। उसके बाद कैंटीन, अब कैंटीन देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है सिनेमा हाउसेस के खुद के कैंटीन होते हैं या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ये टेंडर लगा देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे लगा देते हैं कैंटीन को आउटसाइडर को, तो वहाँ से उनकी से इनकम हो जाती है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, आप फिल्म देखते हो तो फिल्म के बीच में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा सिनेमा हॉल के पास बहुत सारे मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स के पैंटलून्स के एंड ऑल बहुत सारे ब्रांड के होर्डिंग लगे रहते हैं, तो वो सारे एडवर्टीजमेंट के जो पैसे आते हैं वो इनकम ऑफ द सिनेमा हाउसेज में जाते हैं। उसके बाद रेंटल इनकम, बहुत सारे जगहों पर आप देखते होगे सिनेमा हाउसेज के अंदर में कुछ कुछ एरिया जो होता है वो रेंट पे लगा हुआ होता है, जैसे बहुत सारे सिनेमा हाउस में KFC, CCD, डोमिनोज, ये सब अंदर में होता है ऑलरेडी, तो वो क्या होता है, वो रेंटल प्रॉपर्टी होता है, यानी कि सिनेमा हाउस का वो प्रॉपर्टी होता है जिसको कि वो रेंट पे लगा के रखते हैं, तो वो उनका रेंटल इनकम से वहाँ पे अर्निंग होता है। तो ये सारा सोर्स ऑफ इनकम है सिनेमा हाउसेस का। तो अब हम देखेंगे कि इस सोर्स ऑफ इनकम की ऑडिटिंग ऑडिटर किस तरीके से करेगा, क्या क्या पॉइंट्स वो कंसिडर करेगा। सबसे पहला कि वो सबसे पहले क्या वेरीफाई करेगा कि जितने भी टिकट्स हैं, तो टिकट्स क्या होते हैं, सभी सीट के पूरे फिल्म का सेम प्राइस होता है क्या टिकट का, ऐसा नहीं होता ना, सारे टिकट जो क्लासेस ऑफ टिकट होते हैं, क्लासेस में बटे होते हैं अलग अलग, सारे टिकट का प्राइस अलग होता है। तो सबसे पहले वो ये वेरीफाई करता है कि किस बेसिस पे आपने इस टिकट को क्लास में बांटा है और उसका जो रेट रखा गया है वो किस रूल के अकॉर्डिंग रखा गया है, यानी कि आपने रेट रखा है तो क्या सोच करके उसको उस रेट को रखा गया है, ठीक है, मार्केट से रेलिवेंट है या नहीं, ये पहले वेरीफाई करता है। फिर जब फिल्म आती है तो बहुत सारे फ्री पासेस भी दिए जाते हैं कुछ लोगों को, तो वो फ्री पासेस कितने बनाए गए, किनको किनको दिए गए, फिर कुछ बेनिफिट शोज भी होते हैं, उसके बाद कुछ कंसेशनल टिकट्स दिए जाते हैं। कंसेशनल टिकट्स क्या होता है, देखिए कुछ स्कूल या कॉलेजेस के ग्रुप जाते हैं, कुछ स्पेशल मूवी ऐसी लगती है जो कॉलेज या स्कूल अपने बच्चों को दिखाना चाहती है, तो वो ग्रुप में अपने बच्चों को वहाँ पे सिनेमा हॉल में ले जाती है और उस समय स्कूल या कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को जो टिकट दी जाती है तो वो कुछ कंसेशन करके उनको दिया जाता है, दैट इज़ कंसेशनल टिकट, ठीक है। तो उसको वेरीफाई करता है इनके सारे रूल्स को कि आपने जो टिकट के क्लासेस डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं वो सही रूल के अकॉर्डिंग किया है नहीं, जो फ्री पासेस हैं वो रूल के अकॉर्डिंग दिए हैं या नहीं, कंसेशनल टिकट जो दे रहे हो आप सब कुछ वो रूल को फॉलो करते हुए कर रहे हो नहीं, ये वेरीफाई करना चाहता है बेसिकली। नेक्स्ट है
कि आपने जो भी टिकट्स बनाए हैं, जो भी टिकट आपके पास हैं, वो सीरियली नंबर्ड है, यानी ऐसा तो नहीं है कि 20 से आपने किसी को मतलब 20 से कोई गायब है, अब 1, 2, 3, 4 में ऐसे सीरियल नंबर में है और 8 तक है फिर सीधे 10 आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सीरियल नंबर में होना चाहिए, बिल्कुल सीरियली नंबर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, डेली कलेक्शन शुड बी डिपॉजिटेड इन बैंक, जो आप सिनेमा से एक दिन का पूरा जो कलेक्शन हो रहा है वो उसी दिन बैंक में ट्रांसफर हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट, एन ऑडिटर शुड वेरीफाई द डेली रिटर्न फॉर सेल्स ऑफ टिकट फॉर डिफरेंट क्लासेस एंड डिफरेंट शोज फ्रॉम काउंटर फॉयल ऑफ सोल्ड टिकट। अब भाई आपको कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप टिकट बुक कर लेते हो लेकिन फिल्म देखने की मूड बदल जाती है या फिर कुछ ऐसा जरूरी काम आ जाता है तो आप मूवी देखने जाते नहीं हो, तो आप क्या करते हो, टिकट को रिटर्न कर देते हो या कैंसिल कर देते हो, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है तो आप कैंसिल कर देते हो। तो डिफरेंट क्लासेस में, जरूरी तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर क्लास के टिकट रिटर्न हो रहे हैं, अलग अलग क्लासेस के रिटर्न होते हैं, तो ऑडिटर ये वेरीफाई करता है कि अगर टिकट रिटर्न हुए हैं तो किन किन क्लासेस के हुए हैं, किन किन शोज के हुए हैं, और वो कैसे चेक करता है, टिकट जो सोल्ड हुए थे उनके काउंटर फॉयल ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं सिनेमा हाउसेस के पास, तो उनसे वो मैच करता है कि कितने टिकट रिटर्न हुए हैं और उनका अकाउंटिंग आपने किस तरीके से किया है। नेक्स्ट, वो वेरीफाई करता है ऑडिटर कि आप एंटरटेनमेंट टैक्स जो कलेक्ट कर रहे हो टिकट से उसका अमाउंट क्या है, यानी कि आप जब टिकट खरीदते हो सिनेमा हाउसेस के तो जो कंप्लीट नेट जो टिकट का प्राइस होता है उसमें एंटरटेनमेंट टैक्स भी इंक्लूडेड होता है, तो एंटरटेनमेंट टैक्स आप कितना वसूल रहे हो लोगों से ये वेरीफाई करता है कि अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट टैक्स आप कितना कलेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट, कि वो जो एंटरटेनमेंट टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हो लोगों से उसको आप गवर्नमेंट तक सही टाइम पे पहुंचा रहे हो, नहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कलेक्शन कर ले रहे हो लेकिन गवर्नमेंट तक आप उसको सही टाइम पे नहीं पहुंचा रहे या लेट से पहुंचा रहे, तो ये भी इंश्योर करेगा कि आपने एंटरटेनमेंट टैक्स सही वसूला है या नहीं और जो वसूला है उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाया है या नहीं। नेक्स्ट, उसके बाद ऑडिटर क्या वेरीफाई करता है, पार्किंग का रेट, यानी कि अगर आप टू व्हीलर से हैं तो टू व्हीलर के पार्किंग का कुछ और प्राइस होता है, फोर व्हीलर का कुछ अलग प्राइस होता है, ऐसा नहीं है कि टू व्हीलर पार्क करो या फोर व्हीलर पार्क करो सबका सेम पार्किंग प्राइस नहीं होता, सबका रेट डिफरेंट होता है, क्लास ऑफ व्हीकल पर डिपेंड करता है, तो वो जो रेट होता है पार्किंग का उसको वेरीफाई करता है ऑडिटर कि आप रेलिवेंट प्राइस ले रहे हो मार्केट से या नहीं। नेक्स्ट, ऑडिटर शुड वेरीफाई द कैश कलेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ पार्किंग फ्रॉम इशूड स्लिप। अब क्योंकि उसने देख लिया कि आप क्या रेट ले रहे हो, किस क्लास के व्हीकल का क्या रेट ले रहे हो, अब रेट ले लिए तो आपने कैश कलेक्शन कर लिया, अब कैश कलेक्शन करने के बाद आप उसकी अकाउंटिंग सही से कर रहे हो या नहीं, और जो आप वो कैसे मैच करेगा भाई, कैसे देखेगा कि आपकी अकाउंटिंग सही है नहीं, वहां पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होगा, तो वो इशू, वो जो स्लिप इशू करते हो आप जब आपकी गाड़ी पार्क होती है तो वहां जो पार्किंग में बंदा होता है वो क्या करता है, वो आपको एक स्लिप देता है और वो स्लिप आप अपने पैकेट में रख लेते हो, जब आप मूवी देखकर आते हो वो स्लिप दिखाते हो तो आपकी गाड़ी को वो जाने देता है, वही स्लिप उनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है कि हाँ हमने इनसे कैश को कलेक्ट किया है, और वही स्लिप ऑडिटर चेक करता है एट द टाइम जब वो उस कैश की अकाउंटिंग को देख रहा होता है। तो नेक्स्ट, ऑडिटर शुड एंश्योर दैट द पार्किंग स्लिप शुड बी डिफरेंट फॉर ईच क्लास ऑफ व्हीकल। ऑडिटर ये जरूर चेक करता है कि जो पार्किंग स्लिप होती है वो डिफरेंट क्लास ऑफ व्हीकल की डिफरेंट होती है, यानी टू व्हीलर की अलग पार्किंग स्लिप होती है, फोर व्हीलर की अलग पार्किंग स्लिप होती है, ऐसा नहीं है कि दोनों सेम नहीं होने वाला, ठीक है। अगर पार्किंग और कैंटीन अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे आपने दे रखा है, मैंने पहले ही बताया था कि कैंटीन ज्यादातर जो सिनेमा हाउसेस होते हैं कभी कभी उनका खुद का होता है या फिर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट पे लगा देते हैं, है ना, या फिर पार्किंग को भी कॉन्ट्रैक्ट पे लगा देते हैं, तो अगर आपने पार्किंग और कैंटीन को कॉन्ट्रैक्ट पे लगा रखा है तो ऑडिटर क्या चेक करता है, दोनों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को, यानी क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को, जिनका सिनेमा हाउस है और जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके बीच में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा इस चीज को, काम को करने के लिए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को चेक करेगा कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या नॉर्म्स फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट वन, द पेमेंट रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट देने समय जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो तो ऑलरेडी ऑडिटर जो था वो अपने कॉन्ट्रैक्ट बुक में देख लिया कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, अब
उसके दौरान कॉन्ट्रैक्टर ने आपको कुछ पेमेंट दिया होगा जो कि आपका इनकम का सोर्स होता है, तो वो पेमेंट आपने रिसीव किया है इसको वेरीफाई करेगा ऑडिटर। कैसे वेरीफाई करेगा? या तो वो रिसिप्ट बुक को देखेगा, कैश बुक को देखेगा, या फिर पासबुक को देखेगा। नेक्स्ट, द पेमेंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट शुड बी एग्जामिन्ड एंड वेरीफाई विद कैश बुक एंड रिसिप्ट बुक। अब मैंने बताया कि इनकम का एक और सोर्स होता है, दैट इज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट आपके मतलब जब मूवी चल रही है, ड्यूरिंग द मूवी भी आती है और कुछ होर्डिंग्स भी लगे हुए होते हैं, तो उनसे आपकी अर्निंग होती है, यानी सिनेमा हाउसेस की अर्निंग होती है। तो वो जो पेमेंट रिसीव हो रहा है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, उसको भी ऑडिटर वेरीफाई करता है कि सही में आप उस पेमेंट को रिसीव कर रहे हो या नहीं। और वो कैसे वेरीफाई होगा? विद द हेल्प ऑफ कैश बुक एंड रिसिप्ट बुक। नेक्स्ट वन, अब द प्रीमाइसेस ऑफ सिनेमा और थिएटर मे बी एट टाइम बी लेट आउट ऑन रेंट। अब देखिए, मैंने ये भी पहले बताया आपको कि कुछ पोर्शन जो सिनेमा हाउस या थिएटर्स के होते हैं उनको वो रेंट पे भी लगा देते हैं। अब बहुत बार आप अपने मूवी में देख रहे होंगे, मूवी देखने गए होंगे तो सिनेमा हाउसेस में देखे होंगे, हॉल में देखे होंगे कि वहां पे KFC का आउटलेट है, वहां पे डोमिनोज का आउटलेट है, या कुछ भी ऐसा CCD का आउटलेट ऐसा रहता है, ज्यादातर देखा जाता है। तो वो वहां पे क्या होता है, वो रेंटेड प्रॉपर्टी होती है, यानी कि सिनेमा हॉल का वो प्रॉपर्टी होता है जिसको कि वो रेंट पे लगा देते हैं, जिससे कि उनको इनकम होता है। तो अगर उन्होंने अपने प्रीमाइसेस को कहीं पे रेंट पे लगा रखा है, तो उस रेंट एग्रीमेंट को ऑडिटर वेरीफाई करेगा, और वो जो रेंट रिसीव कर रहे हैं उसको भी वेरीफाई करेगा विद द हेल्प ऑफ कैश बुक एंड रिसिप्ट बुक। अब देखिए, हमने तो देख लिया, अभी तक डील कर लिया इनकम को, अब हम देखेंगे एक्सपेंडिचर की ऑडिटिंग कैसे होती है। तो ऑडिटर कौन कौन से पॉइंट को कंसिडर करता है? सबसे पहला, एन ऑडिटर शुड वेरीफाई फिल्म हायर चार्जेस। अब भाई एक्सपेंस है तो आप मूवी देखने जा रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है वो फ्री फोकट का तो नहीं है, ले आते हैं ना मूवी वहां पे, मूवी खरीदते हैं वो लोग, या फिर हायर करते हैं, या तो भाड़े पे लाते हैं या फिर कंप्लीटली खरीद लेते हैं, उनका अधिकार ले लेते हैं। तो ये वेरीफाई करता है कि अगर आप फिल्म हायर करके ला रहे हो तो उसके चार्जेस क्या हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, और आपने जिनसे हायर कर रखा है उनके बीच का एग्रीमेंट क्या है। यानी कि कंप्लीटली ऑडिटर देखना चाहता है कि अगर आप हायर करके मूवी लाए हैं तो उन आपके और जिनसे आपने हायर किया उनके बीच का एग्रीमेंट क्या है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा आपको इस मूवी को चलाने में, और क्या चार्ज, कितने चार्ज में आपने इसको हायर किया है, ये सब कुछ वेरीफाई करेगा। उसके बाद जो फिल्म परचेज अगर आपने की है तो उसकी अकाउंटिंग चेक करेगा कि आपने फिल्म परचेज की या फिर फिल्म हायर की है, तो उसकी अकाउंटिंग आपने एज पर द लॉ की है या नहीं। और अगर कुछ फिल्म ऐसी होती है जो कि सिनेमा हाउसेस परचेज कर लेते हैं लेकिन वो पर्दे पे दिखाई नहीं जाती है, तो वैसे भी फिल्म है वहां पे तो परचेज आपने कर लिया, कंप्लीटली आपने ओनरशिप ले ली, तो भाई अब तो पैसे आपके लग गए, तो पैसे लग चुके हैं लेकिन पर्दे पे आई नहीं, तो आपकी कोई कमाई तो हुई नहीं। तो वैसी फिल्म जो है उसका भी आपको अकाउंटिंग प्रॉपरली करना होता है, और आपने किया है कि नहीं ये भी ऑडिटर वेरीफाई करता है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को थॉरली वाउच करता है, यानी जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं सिनेमा हॉल को चलाने के लिए, जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं उनके वाउचर्स को भी थॉरली वो वेरीफाई करता है। सारे जितने भी खर्चे हैं आपके पास उसका वाउचर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, और दोनों चीजों को वो मिलाता है कि सेम सही चीजें हैं या नहीं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अगर सिनेमा हाउसेज ने इनकर कर रखी हैं तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या डीलिंग है, वो मेंशन है बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपरली या नहीं, ये चेक करेगा। नेक्स्ट, आपने एडिक्वेट डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है अपने फर्नीचर एंड फिक्स्चर में या नहीं। अब सिनेमा हाउसेस है तो आप लोग खड़े खड़े मूवी तो देखोगे नहीं, ऑब्वियसली बात है फर्नीचर होंगे ही वहां पे, तो वो फर्नीचर भी एसेट का ही पार्ट है, वो भी डेप्रिशिएट करते हैं। तो अब क्या देखेगा कि आपने एडिक्वेट डेप्रिसिएशन चार्ज किया है या नहीं, आपने कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। ऐसा तो नहीं है कि आपने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉर्मल डेप्रिसिएशन से ज्यादा चार्ज कर दिया, लेकिन ऐसे देखा जाए तो जो सिनेमा हाउसेस होते हैं उनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बाकी बिजनेस के डेप्रिसिएशन रेट से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक आते हैं, तो अब बाकी बिजनेस हाउसेस जो हैं वो तो अपने हिसाब से अपने अनुसार चीजों को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ तो पब्लिक यूज करती है तो ज्यादा डिप्रिशिएट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए सिनेमा हाउसेस का जो डिप्रिसिएशन रेट होता है वो बाकी बिजनेस से ज्यादा होता है। ठीक है, इन सब चीजों को वेरीफाई करता है। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ वेरियस आइटम शुड बी वेरीफाइड। अब आप
जो भी प्रोवाइड कर रहे हो अपने कस्टमर्स को, अब 3D मूवी दे रहे हो तो आप चश्मा दे रहे हो एंड ऑल, ऐसे मैं बस ऐसी बता रही हूँ, बहुत सारी चीजें आप स्टॉक में भी रखते हो तो उनको वेरीफाई करता है कि आपने जो स्टॉक में चीजें रख रखी है, मूवीज भी स्टॉक में रहती हैं, रील्स भी स्टॉक में रहती हैं, तो वो सारे स्टॉक आपके पास हैं या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट में ही आपने मेंशन कर रखा है, उसको फिजिकली वेरीफाई करता है। उसके बाद पेमेंट ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंसेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, वेजेस, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एंड परचेज ऑफ वेरियस आइटम शुड बी वाउच्ड विद अवेलेबल सपोर्टिंग वाउचर। अब जो भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, भाई बड़ा सा सिनेमा हॉल है तो इलेक्ट्रिसिटी तो काफ़ी आएगा, जो आप वहाँ के स्टाफ को सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, जो भी प्रिंटिंग के पर बहुत सारे खर्चे होते हैं भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत सारे होते हैं वहाँ पे, तो उनके आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए भाई। ऑडिट है तो आपके पास वाउचर्स होने ही चाहिए, सपोर्टिंग वाउचर्स बहुत ज़रूरी है, ताकि आपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बना रखा है उससे उस रेलिवेंट वाउचर को मैच किया जा सके, ताकि ये बताए, ये वेरीफाई करे ऑडिटर कि हाँ सही में ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर हुए थे और आपका यहाँ पे खर्चा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को, दोनों को आपको अलग अलग ट्रीट करना है और अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है, जैसे उनको ट्रीट होना चाहिए एज पर द लॉ, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट अलग होने चाहिए। अब जितने भी बुक्स हैं, जैसे कैश बुक हो गया, पेटी कैश बुक हो गया, लेजर अकाउंट हो गए, उन सभी को वो बहुत ही प्रॉपरली एग्जामिन करता है, बहुत डिटेल में एग्जामिन करता है। नेक्स्ट है ऑडिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। भाई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपको स्पेशल ऑडिट में हर में देखने को मिलेगा, यानी कि जितने भी स्पेशल ऑडिट हैं उसमें ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करता ही करता है, चाहे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ले लो, बैंक का ले लो, इंश्योरेंस का ले लो, सिनेमा का ले लो, क्लब का ले लो, किसी का भी ले लो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम करेगा ही करेगा चेक। तो भाई इंटरनल कंट्रोल के सिस्टम की आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के देख लीजिए, मैं आई बटन पे यहाँ पे लिंक लगा दूंगी। ठीक है, देखिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है भाई, तो यहाँ पे ऑडिटर क्या एग्जामिन करता है, इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसी भी बिजनेस के ऑडिटर चेक करता है। क्यों चेक करता है? इसलिए चेक करता है ताकि वो जब ऑडिट करने आए तो वो टेस्ट चेकिंग करना है या डिटेल ऑडिट करना है, सबसे पहले तो उसको यही यहाँ पे पता चल जाता है। अगर आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा है तो वो टेस्ट चेकिंग करेगा, अदरवाइज कंप्लीट अच्छे से डेप्थ में चेकिंग करता है वो। ठीक है, तो वो क्या देखता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, सबसे पहला कैश रिसीव, जो कैश रिसीव्ड जितने भी कैश को के लेन देन की बात रही है तो वहां पे उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, पेमेंट के रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, अनसोल्ड टिकट्स जो हैं उनके रिगार्डिंग आप कैसे डील कर रहे हो, है ना। उसके बाद अनसोल्ड टिकट की प्रॉपर कंट्रोल आप कर रहे हो, सही कंडीशन में कर रहे हो या नहीं। उसके बाद शोल टिकट शुड बी ड्यूली साइंड बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द बिजनेस, यानी कि जितने भी शोल टिकट हैं, जितने भी बेचे जा चुके हैं टिकट, उनके नीचे जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है, जो रेलिवेंट ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है, उनका सिग्नेचर होना चाहिए, ताकि ये पता लग सके कि यहाँ का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम काफी सही है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, क्योंकि आप रिस्पॉन्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, है ना। मैं इसी तरह नए नए वीडियोस डेली अपलोड करती हूँ इस चैनल पे। अगर आप नए चैनल पे आए हैं, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो डेली वीडियोज आ रही हैं उसके अपडेट बहुत टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।